बीजेपी सांसद सुमित्रा महाजन लोकसभा की अगली स्पीकर होंगी। सुमित्रा महाजन के नाम का प्रस्ताव अलग अलग पार्टियों के 19 नेताओं ने सामने रखा है। सुमित्रा महाजन के नाम के प्रस्तावकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। इस पद के लिए सिर्फ उन्हीं के नाम का प्रस्ताव आया है। इंदौर से बीजेपी की सांसद लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर होंगी। इससे पहले यूपीए 2 के दौरान कांग्रेस सांसद मीरा कुमार लोकसभा की स्पीकर रह चुकी हैं। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हैं। हिमांशु, हमने सुना वेंकैया नायडू का बयान आज दिन में आया था, वो चाहते थे कि सर्वसम्मति से पूरे सदन में नाम पारित हो, क्या ऐसा माहौल बनता दिख रहा है? तो उसमें मेरा कौन से वाले में डाला? आप सुन पा रहे हैं हिमांशु हमको? चलिए एक बार फिर से हम आपको एक खबर बता दें। सुमित्रा महाजन का लोकसभा स्पीकर बनना अब तय है और 19 पार्टियों के अलग अलग सांसदों ने उनके नाम का प्रस्ताव किया है प्रधानमंत्री के अलावा, और सरकार की मंशा थी, हालांकि सरकार बहुमत में, लेकिन फिर भी कि पूरे सदन की सर्वसम्मति से सुमित्रा महाजन का नाम पारित किया जाए। अब आइए चलते हैं एक बार फिर हिमांशु के पास। हिमांशु, क्या सर्वसम्मति का कोई आपको माहौल बनता नजर आ रहा है, जिस तरीके से कई पार्टियों ने सुमित्रा महाजन का नाम आगे किया? देखिए सर, बिल्कुल सर्वसम्मति से सुषमा सुमित्रा महाजन का जो नाम है वो अध्यक्ष पद के लिए है, और अब क्योंकि कई पार्टियां बीजेडी से लेकर तमाम पार्टियों ने जो है एआईएडीएमके सब ने समर्थन दिया है सुमित्रा महाजन को। 10 प्रस्तावक हैं, अलग अलग पार्टी से हैं सारे, और वो अब चाहते, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल जब लोकसभा चुनाव स्पीकर के लिए चुनाव होगा तो उसमें सुमित्रा महाजन एक लौती ऐसी उम्मीदवार होंगी जो लोकसभा स्पीकर जिन्होंने नामांकन किया होगा, तो अब उनका लोकसभा स्पीकर चुना जाना तय है और सर्वसम्मति से होगा ये, जो बीजेपी चाहती थी अब वही हो रहा है। हमेशा ऐसा होता था लोकसभा स्पीकर के लिए ये प्रथा रही है कि जो भी लोकसभा स्पीकर हो वो सर्वसम्मति से हो, उसके लिए चुनाव कभी नहीं होता है, डिप्टी स्पीकर हमेशा अपोजिशन को जाता है, लेकिन बीजेपी इस बार चाहती है कि डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो एआईएडीएमके को दे दिया जाए थंबीदुराई को, इसीलिए ये ख्वाहिश की गई है और सुमित्रा महाजन का अब सर्वसम्मति से स्पीकर बनना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु।